हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल प्रियस मेडिसिन ऑनलाइन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों तथा हेल्थ संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सिरप के बारे में। ये अपने नाम और काम के कारण सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्कोरी एलएस सिरप के बारे में। जानेंगे इसकी प्राइस क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसकी प्रिकॉशन और डोज क्या है, सब कुछ बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करने वाले हैं हम एस्कोरी एलएस सिरप के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। अगर बात करें हम इसके कंपोजिशन के बारे में तो इसमें लिवोसाल्बुटामॉल सल्फेट होता है, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड होता है और इसमें गुआफेंसिन एक्सप्रोटेरेंट होता है। इस तरह से 3 से 4 दवाओं कंपोजिशन से जो हमारा एस्कोरी एलएस सिरप है वो तैयार होता है। अगर बात करें हम इसकी प्राइस के बारे में तो 100 ml के पैक में आता है और 100 ml के पैक की जो प्राइस होता है वो 129 रुपया होता है, जो आपको किसी भी मेडिकल और केमिस्ट शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसकी कंपनी की तो ग्लेनमार्क द्वारा इसको बनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही ब्रांडेड और बहुत ही अच्छी ये दवा होता है। अगर बात करें हम इस दवा के यूजेज के बारे में तो एस्कोरी एलएस सिरप जो होता है वो खास करके गीली खांसी के लिए होता है, यानी प्रोडक्टिव कफ आपको है तो उस कफ को निकालने के लिए और खांसी को रोकने के लिए आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके मेन इंग्रेडिएंट के बारे में तो जो इसमें लिवोसाल्बुटामॉल होता है 1 mg में होता है, तथा एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो 30 mg में, गुआफेंसिन की बात करें तो 50 mg में होता है। इस तरह से इसमें कंपोजिशन होता है। अब जानते हैं इसके यूजेज के बारे में। अगर हम बात करें इसके यूजेज के बारे में तो ये ब्रोंको डायलेटर होता है और म्यूकोलिटिक होता है, मतलब आपको सर्दी खांसी और गीली खांसी आ रही है और बहुत ज़्यादा बलगम आपको गिर रहा है तो उस कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। बता दें आपको कि यदि आपको खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा है और खांसी के साथ साथ आपको बलगम गिर रहा है तो बलगम गिरने के कारण जो आपको सांस होती है, सीना होता है, बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, तथा जो कफ होता है हमारे छाती पर जम जाता है और सीने में जम जाता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होता है। तो यदि आपको किसी भी प्रकार से सीने में बलगम जम गया है, आप सही ढंग से सांस नहीं ले पा रहे हैं, निमोनिया वाली कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आप एस्कोरी एलएस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जमे हुए बलगम को बाहर निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। यदि आपको लंबे समय से खांसी आ रही है और जो आपका कफ है वो पूरे सीने को जाम कर चुका है, तो जो कफ होता है उसको निकालने के लिए तथा कफ को छाटने के लिए आप इस एस्कोरी एलएस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके डोजेज के बारे में तो यदि कोई 12 साल से ऊपर व्यक्ति है तो उसमें हम 10 ml दवा सुबह, 10 ml दवा शाम को और 10 ml दवा रात को खाना खाने के बाद से तीनों टाइम दे सकते हैं। यदि आपको कितना भी पुरानी बलगम वाली खांसी है और आपके जो छाती है, जो आपका चेस्ट है, चेस्ट पर बहुत ज़्यादा कफ जम गया है, तो उस कफ को निकालने के लिए एक रामबाण दवा है। तो जब भी आपको खांसी आ रही है, खांसी के साथ साथ आपको बलगम वाली खांसी आ रही है, सीना आपका जाम हो चुका है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। तो यही था एस्कोरी एलएस सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।